जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो वैकेंसी फाइनली रेलवे में आउट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे में एएलपी की वैकेंसी, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती 2024 की। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि जिसको हम आम भाषा में ड्राइवर बोलते हैं, तो रेलवे में जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन को चलाते हैं, तो उन्हीं में से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल वाला आइकन है वो जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर हम कुल पदों की बात करें तो 5,696 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप की, तो आप 20 जनवरी से यानी कि कल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जो कि 19 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो अगर आप यूआर कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी और अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को अगर आप 18 साल से 30 साल के बीच में हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आप 1 जुलाई 2024 को अगर आप 18 साल से 33 साल तक हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम एससी या फिर एसटी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 को 18 साल से 35 साल तक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर या इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी आवेदन शुल्क की, तो अगर आप यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको ₹500 पेमेंट करना होगा। और अगर आप इन कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और एसटी एससी कैटेगरी से भी हैं, या अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको ₹250 पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता की। तो अगर आपने 10वीं के साथ आईटीआई किया हुआ है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। कुछ ट्रेड वाले जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है उनको छोड़ के बाकी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया हुआ है आईटीआई, और आपने 10वीं के साथ 3 साल का डिप्लोमा किया है, किसमें, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें से किसी में भी, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने इंजीनियरिंग की है या अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम आपके चयन प्रक्रिया के बारे में, लेकिन पहले हम बात करते हैं वेतन के बारे में कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। आपको इसमें सैलरी लगभग मान के लिए आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 30,000 से अधिक सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके चयन प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रोसेस से होकर आपका चयन किया जाएगा, तो पहले होगा आपका CBT 1, फिर होगा आपका CBT 2, फिर होगा आपका साइको टेस्ट। ठीक है, तो CBT 1 के बारे में अगर बात करें, तो आपका जो यहां पर 20 आपका मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर और जीके के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस प्रकार 75 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे,
60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम भी मिलने वाला है, ठीक है। और आपको यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम यानी CBT 1 को पास करते हैं तो आपको CBT 2 देने का मौका दिया जाएगा, और CBT 2 में आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट बी आपको केवल क्वालिफाई करना है। आप उसमें से पूरा में पूरा नंबर लाइए तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर आप केवल क्वालिफाई कर लेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो पार्ट ए जो है उसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और जीके के 10 क्वेश्चन, और साइंस या फिर इंजीनियरिंग के मिला के जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हो गए 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और जो पार्ट बी है वो आप रिलेवेंट ट्रेड यानी कि जिस ट्रेड में आपने बीटेक किया हुआ है, जिस ट्रेड में, जैसे सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल वाले हैं तो इनको मैकेनिकल सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, या अगर आपने जैसे अगर आपने ITI किया हुआ है जिससे उसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो ही आपको पास माना जाएगा। अगर आप 75 में से 75 मार्क्स ला लेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो जो CBT 2 है इसको अगर आप पास करते हैं तब आप साइको टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साइको टेस्ट में आपके दिमाग का, आपके मानसिक संतुलन का जो है परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो CBT 2 और साइको टेस्ट के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है। इसका वेटेज 70% रहता है और इसका वेटेज आपका 30% रहता है, तो इन दोनों को मिला के आपको नौकरी यहां पर मिल जाती है, ठीक है। यानी कि CBT 2 के पार्ट ए का, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है आपका, इसका नंबर जुड़ना नहीं है, नंबर इसका जुड़ेगा और साइको टेस्ट का जुड़ेगा। तो इसलिए आप इस एग्जाम में जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके रहेंगे, और साइको टेस्ट में तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये थी कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इस वैकेंसी से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला जो आइकन है वो जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।